Good morning. Namaskar. This is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today, I'm back here for the first time with the new super series, Universal Knowledge. And today, I'm going to talk to you regarding the most fearless animal in the world. Ji haan, bachcho. Aaj main Universal Knowledge, jo naya super series hai, uska pehla video main leke aaya. Aur aaj ka subject hai, दुनिया का सबसे बहादुर जानवर जो किसी से नहीं डरता है. क्या लगता है कौन सा है? What do you think? Which is the most fearless animal in the world? Is it lion? Tiger? A bear? A elephant? A giraffe? Or what do you think? None of these. हाँ, हमको बचपन से सिखाया गया है कि lion is the king of the jungle. Okay? But lion may be the king of the jungle, but it is not the most fearless animal in the world. According to the Guinness Book of World Records, the most fearless animal in the world is Meliwora capensis. Or in other words, it is the honey badger. जी हाँ, ये वो जानवर है जिसका नाम है honey badger और ये है सबसे दुनिया का बहादुर जानवर. ये किसी से नहीं डरता है. इसका साइज कितना है, क्या खाता है, मैं सब आपको बताता हूँ. हनी बैजर, ये जो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको हनी खाना बहुत अच्छा लगता है, इनको मधु खाना बहुत अच्छा लगता है. एंड इट ईट्स द हनी, द लार्वा फ्रॉम द बी हाइव, एंड इट ईट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. व्हेन इट किल्स अ प्रे, इट ईट्स द फ्लैश एज वेल एज द बोन्स. वेल, व्हाट आर द सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ हनी बैजर? Frankly, honestly, it is all about the mental strength. Honey badger is a diehard. It won't give up. It just doesn't give up. I will tell you a few things about honey badger. Why I am telling you all that? Well, when I saw in the television the programs related to honey badger, it really impressed me. Honey badger is almost 1 meter long. That's all. It weighs between 10 to 20 kilos. It is black and grayish in color. It has thick skin. The eyesight is not that strong enough, but it has very powerful claws. जो नाखून की बात करते हैं ना, so it has got very long, powerful claws, and it helps in digging. It has been found that honey badger can dig quite a large amount of mud from the surface within few minutes. And to fight the predators, it has a typical anal pouch from where it ejects some kind of odor that puts away the predators. And it has very powerful jaws, very very strong jaws and very strong teeth. It is so powerful that it can even destroy a tortoise. Just imagine, the shell of the tortoise is very hard. Kachua hai, a kachua ko bhi tod sakta hai apne तगड़ा जबड़ा और दांतों से. उनका मुंह उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुदरत ने जो तोहफा दिया है कि इनका जॉज बहुत स्ट्रांग है, इनका टिथ मतलब दांत जो है बहुत तगड़ा है, बहुत शक्तिशाली. और ये किसी से नहीं डरता है. एक टीवी प्रोग्राम में हनी बैजर अकेला 6 शेरों से लड़ रहा था. लड़ते लड़ते वो मर जाता है, बट अकेला 6 शेरों का मुकाबला करता है. भागता नहीं है, लड़ते रहता है. कौन कर सकता है ऐसा? हम एक शेर हमारे सामने आ जाए तो हम डर जाएंगे, हमारे पास बंदूक भी हो, हाथ भी कांपेगा. लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई औजार नहीं है, अकेला शेरों से लड़ता रहा. और यदि आप कभी टीवी प्रोग्राम में देखेंगे, इनका एक खास दुश्मन है जहरीला सांप. वो कोई भी जहरीला सांप का मुकाबला कर लेगा, लड़ते रहता है. सांप इसको डसते रहता है और ये भी सांपों से लड़ता रहता है. एक बार उसने एक जहरीला सांप को मारने के बाद उसको पूरा पूरा ढंग से खा लिया. इट एट अवे अ पॉइजनस स्नेक. सो व्हाट हैपेंड, द पॉइजन वेंट इनटू द बॉडी एंड आफ्टर सम टाइम आई थॉट दैट हनी बैजर इज डेड. मैंने सोचा हनी बैजर अभी मर गया, सांप को खा लिया, सांप का जहर भी खा लिया. लेकिन कुछ घंटों के बाद वो होश में आ गया, जिंदा हो गया. ये तो पहली बार में देखा ऐसा कुछ. यदि कोई भी जहरीला सांप, ओ ब्लैक मामा हो या एडर हो, वाइपर हो, किंग कोबरा हो, इधर में डसेगा, हमें मरना ही है.
यदि हमको मेडिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हनी बैजर को कोई दवाई दी नहीं, दवाई नहीं दी गई, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वो जहरीले सांप को भी हरा दिया। हाँ ऐसा भी होता है कभी कभी, यदि बहुत बारिश से डसा जाता है हनी बैजर मर सकता है, लेकिन कभी कभी वो मरता नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हनी बैजर हर चीज़ खाया जाता है, उसे ये मालूम नहीं होता ये जहर है नहीं खाना चाहिए, वो फ्लैश हड्डी सब कुछ खा लेता है। उसमें इन अ नटशेल, हनी बैजर इज अ मेंटली टफ एनिमल, मेंटली स्ट्रांग, मेंटल स्ट्रेंथ, वी कैन से नेवर से डाई। हनी बैजर इज डाई हार्ड, इट विल फाइट 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 विदाउट एनी फियर। सो देन इफ समबडी टेल्स यू विच इज द मोस्ट फियरलेस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो बच्चे यदि आपको भी कोई भी पूछेगा कि दुनिया का सबसे बहादुर जानवर कौन सा है, ये शेर नहीं है, हाथी नहीं है, चीता नहीं है, ये है हनी बैजर मेलिवोरा कैपेंसिस। थैंक यू।